दोस्तों आज पूरे इंडिया में अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा दर्शकों का मन मोह रही है। रेड सैंडर्स स्मगलिंग के अराउंड बिल्ड स्टोरी को दर्शकों का हर सेक्शन अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन कई लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये स्टोरी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। रेड सैंडर्स इंडिया के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले एक्सक्लूसिव ट्रीज हैं, जिसकी वुड को इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपये में खरीदा जाता है। जापान और चाइना जैसे कई देश के लोग रेड सैंडर से प्रिपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन के लिए हैवी अमाउंट पे करने को तैयार रहते हैं। जहां एकोरस डिमांड ने रेड सैंडर्स के फॉरेस्ट को सीवियरली डिप्लीट किया है, वहीं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के कारण गवर्नमेंट द्वारा लगाए बैन से इसकी स्मगलिंग और बढ़ी है। दोस्तों आज हमारे वीडियो का मकसद रेड सैंडर्स के इसी स्मगलिंग को डिकोड करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम रेड सैंडर्स स्मगलिंग से जुड़े उन पहलुओं को जानेंगे जिससे ये ट्रेड इतना ल्यूक्रेटिव बना है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा लिए गए स्टेप्स पे भी चर्चा करेंगे जिसने रेड सैंडर्स स्मगलिंग को एक नया टर्न प्रोवाइड किया। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों रेड सैंडर्स एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज की ट्रीज होती है जो केवल इंडिया के ईस्टर्न घाट रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है। लोकली इन्हें रक्ता चंदन या येरा चंदन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के रायला सीमा रीजन में पाए जाने वाली ये ट्रीज स्टेट के कडपा, रजमपेत और प्रोदातूर फॉरेस्ट डिविजन्स में डोमिनेंट हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा ये ट्रीज तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में लिमिटेड नंबर्स में पाए जाते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक रेड सैंडर्स बेरिंग फॉरेस्ट में लगभग 15.5 लाख हार्वेस्टेबल ट्रीज मौजूद हैं, जिन्हें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क और रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में कंटेन किया गया है। आंध्र प्रदेश में नेचुरली ग्रो करने के अलावा रेड सैंडर्स तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और कई इंडियन स्टेट्स में कल्टीवेट किए जाते हैं। दोस्तों रेड सैंडर्स एक रेयर वुड है जिसके कारण पर टन इसकी कॉस्ट 1 से 2 करोड़ तक रेंज करती है। इसका सबसे प्रमुख कारण है रेड सैंडर्स का इंटरनेशनल डिमांड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा के अनुसार रेड सैंडर्स का मार्केट डिमांड 1000 मेट्रिक टन्स पर ईयर है। रेड सैंडर्स से बने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे शमीसेन और दूसरे ऑब्जेक्ट्स ट्रेडिशनल जापानीज वेडिंग के एसेंशियल डाउरी माने जाते हैं। 10th century के बाद से चाइना के इंपीरियल हाउसहोल्ड्स में रेड सैंडर्स से बने फर्नीचर्स और डेकोरेटिव आइटम्स एक खास महत्व रखते हैं। इसके अलावा सैंटलिन के प्रेजेंस के कारण रेड सैंडर्स की डिमांड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच काफ़ी ज़्यादा है। आयुर्वेदा में मेंशन ये स्पीसीज आज डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। चाइना में रेड सैंडर्स से आज भी इम्यूनिटी मेडिसिन बनाई जाती है। इन सब के साथ रेड सैंडर्स से बने रेडिश कलर्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड डिमांड किए जाते हैं। दोस्तों ये ट्रीज इतने प्रीशियस हैं कि रेड सैंडर्स का मेंशन बाइबल में भी पाया जाता है, जिसके अनुसार टेम्पल ऑफ सोलोमन इसी वुड से बनाया गया था। इस हाई डिमांड को पूरा करने के लिए रेड सैंडर्स की ओवर हार्वेस्टिंग ने आज इन्हें एक क्रूशल स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया है। IUCN के अनुसार पिछले 3 generations में इस स्पीसीज ने 50-80% की पॉपुलेशन डिक्लाइन देखी है और आज मैच्योर और हार्वेस्टेबल साइज के केवल 5% ट्रीज ही फॉरेस्ट में बचे हैं। राजमपेट में आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि आज केवल 30% ट्रीज ही हार्डवुड कंटेंट प्रोवाइड करने में सक्षम है। स्मगलिंग के अलावा फॉरेस्ट फायर्स ने भी रेड सैंडर्स के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन किया है। इस एक्सप्लॉयटेशन और थ्रेट को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने 1980s में CITES के अपेंडिक्स 2 में रेड सैंडर्स के इंक्लूजन को रिकमेंड किया, जिससे इसके ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों CITES या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसके तहत इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना के ट्रेड को डिस्करेज कर उनके सर्वाइवल को सपोर्ट किया जाता है। गवर्नमेंट के अप्रोच के बाद 1995 में CITES के अपेंडिक्स 2 में रेड सैंडर्स को शामिल किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN रेड लिस्ट में 1997 में शामिल होने के कारण पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स के बीच रेड सैंडर्स के वल्नरेबल सिचुएशन की गहरी चर्चा शुरू हुई। इन सारे स्टेप्स को कंसोलिडेट करते हुए गवर्नमेंट ने 2004 में रेड सैंडर्स के एक्सपोर्ट पे टोटल बैन लगा दिया। दोस्तों गवर्नमेंट के कई रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद रेड सैंडर्स आज भी ह्यूज क्वांटिटी में स्मगल किए जाते हैं। रेड सैंडर्स के इंटरनेशनल मार्केट में इतने ह्यूज डिमांड और हाई कॉस्ट इस स्मगलिंग को बढ़ावा देती है।
केवल 2021 में रेड सैंडर स्मगलिंग के अगेंस्ट 117 केसेस रजिस्टर किए गए थे, जिसके साथ 508 करोड़ वर्थ 51 टन्स वुड सीज की गई। 2015 में आंध्र प्रदेश असेंबली में स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने बताया कि अब तक 13,004.42 मेट्रिक टन्स रेड सैंडर्स और 7,354 व्हीकल्स सीज किए जा चुके हैं, जिसके साथ 19,852 पीपल को अरेस्ट किया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स इन आंकड़ों को केवल आइसबर्ग का टिप कहते हैं। उनके अनुसार रेड सैंडर्स इंडिया का हाईएस्ट प्राइज्ड वुड है, जिसे एयर कार्गो, सी पोर्ट और लैंड रूट्स के माध्यम से स्मगल किया जाता है। इस पूरे नेक्सस में लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पुलिस, कस्टम्स और पोर्ट ऑफिशियल्स मिले होते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अनुसार ईस्टर्न घाट के टफ टेरेन पेट्रोलिंग को टफ बनाते हैं, जिसके कारण स्मगलिंग हो पाती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म्ड रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स की स्टाफ स्ट्रेंथ भी सैंक्शनड पर्सनल से कम बताई जाती है। स्मगलिंग और पुलिस के बीच की ये फाइट तब और कठिन हो जाती है जब पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भी इस नेक्सस में अपनी प्रॉफिट अर्न करने लग जाते हैं। इसके अलावा पुलिस जनरली लोकल वुड कटर्स को अरेस्ट कर पाती है और नेक्सस के टॉप प्लेयर्स बचते चले जाते हैं। दोस्तों, ये तो रही लॉ इवेट कर स्मगलिंग की बात, लेकिन 2000 के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज ने एक्चुअली इस स्मगलिंग को बढ़ावा दिया है। आइए इसे समझते हैं। मार्केट की डिमांड के लिए यूं तो कई सालों से रेड सैंडर्स इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिस कारण रेड सैंडर्स IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हुआ। गवर्नमेंट ने इस स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए रेड सैंडर्स के एक्सपोर्ट में 2004 में बैन लगाया, लेकिन ये एक अम्ब्रेला बैन था। ना केवल इससे इलीगली कट रेड सैंडर्स का एक्सपोर्ट रुका, बल्कि वो ट्रीज जिन्हें कल्टिवेट कर एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर किया गया था, उनका एक्सपोर्ट होना भी बंद हो गया। इन सब के साथ एक फार्मर जो ट्री ग्रो कर सकता है, उसे कट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट की जरूरत पड़ने लगी, जिसे हासिल करना कठिन था। डोमेस्टिक मार्केट में इन वुड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के कंपेयर्ड नियरली हाफ है, जिस कारण फार्मर्स रेड सैंडर्स एक्सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कारण नहीं कर पाए। इन सब के बीच जब 2010 में CITES इंडिया से ऑप्टेंड रेड सैंडर्स के ट्रेड को सस्पेंड करने की प्लानिंग कर रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कल्टीवेटेड सोर्स से एक्सपोर्ट करने की परमिशन मांगी, जिससे कल्टीवेटेड फार्म से केवल 310 टन्स और सीज सोर्सेस से 11,806 टन्स एक्सपोर्ट कोटा मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जहां एक और कई स्टेट्स ने कॉन्फिस्केटेड रेड सैंडर्स को सेल करने के ऑक्शन किए, वहीं रेड सैंडर के फार्मर्स अपना प्रोड्यूस एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इस ऑक्शन में भी इलीगल ट्रेडर्स और प्राइवेट कंपनीज ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। दोस्तों, सप्लाई रिड्यूस होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में रेड सैंडर्स की प्राइस और बढ़ते चली गई, जिस कारण स्मगलर्स ने अपने ऑपरेशंस को फर्दर इंटेंसीफाई किया। बढ़ते हुए प्रॉफिट मार्जिन्स में जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को उनका कट इंक्रीज होता दिखा, तो उन्होंने भी इस इलीगल ट्रेड के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली, और समय के साथ इन स्मगलर्स ने एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया कि आज जितना वुड पर ईयर सीज किया जाता है, उससे 50 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट द्वारा 2013 में बनाई गई एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स के मोड ऑफ ऑपरेशंस भी कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं, जहां एक और साहुल हमीद जैसे इंटरनेशनल स्मगलर्स आज भी इंडिया एक्सट्रेडिट नहीं हो पाए हैं। वहीं चितूर में STF द्वारा 2015 में 20 वुड कटर की पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबरों ने भी कई सवाल उठाए। इस ऑपरेशन में 20 वुड कटर्स के डेथ के अगेंस्ट तमिलनाडु की गवर्नमेंट और कई पॉलिटिशियंस ने प्रोटेस्ट किए, जिनके अनुसार मारे जाने वाले कई लोग तमिलनाडु के वर्कर्स थे। प्रोटेस्टर्स के अनुसार ये डेली वेज लेबरर्स थे, जिनके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया था, जबकि करप्ट ऑफिशियल्स और हायरार्की में ऊपर के स्मगलर्स के अगेंस्ट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, गवर्नमेंट ने बढ़ती हुई स्मगलिंग के कारण को समझते हुए अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज करने का डिसीजन लिया, और फेब 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करते हुए कल्टीवेटेड लैंड से ऑप्टेंड रेड सैंडर्स के एक्सपोर्ट को परमिशन ग्रांट कर दी। इस स्टेप के बाद न केवल इंटरनेशनल मार्केट में रेड सैंडर्स को अब लीगली सेल किया जाना पॉसिबल हुआ, बल्कि स्मगलर्स के सामने भी लीगल कंपटीशन आने के कारण उनके ऑपरेशंस स्लो डाउन हुए। इस बैन के हटने के साथ ही कई इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नजर आए कि गवर्नमेंट को रेड सैंडर्स के इलीगल कल्टीवेशन को फैसिलिटेट कर
नेचुरल रेड सैंडर फॉरेस्ट के ऊपर पड़ने वाले बर्डन को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अलावा यदि गवर्नमेंट रेड सैंडर से प्रिपेयर होने वाली कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और क्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस को इंडिया में डेवलप करें तो इससे न केवल स्मगलिंग कम होगी बल्कि हमारे देश को भी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। जहां एक और गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज में आने वाले वुड को रेगुलेट कर पाएगी, वहीं मास अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही यूथ्स को एक नया अवसर मिलेगा। दोस्तों, रेड सैंडर्स इंडिया की एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसके वर्ल्ड वाइड डिमांड को फुलफिल कर इकोनॉमी के अलावा लोकल पॉपुलेशन की भी हेल्प की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेड सैंडर्स की जिसका मेंशन पुष्पा मूवी में हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।